Good evening to all of you. Myself Akhilesh Kumar. Welcome to my YouTube channel Akhilesh. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर्स का फर्स्ट पार्ट आप लोग को डाल दिया है. जो लोग मेरा डिवाइजर का फर्स्ट पार्ट नहीं देख पाए पहले वो डिवाइजर का फर्स्ट पार्ट देखें ताकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवाइजर का सेकंड पार्ट और समझने आपको आसानी होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा. तो आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और ध्यान से देखें. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवाइजर्स में सम ऑफ डिवाइजर्स, सम में भी और डिवाइजर्स, इवेंट डिवाइजर्स, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर्स, परफेक्ट क्यूब डिवाइजर्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर में डिस्कस करेंगे, फिर एवरेज ऑफ डिवाइजर भी डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तैयार हो जाए आप लोग. आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, भाजकों का सम क्या है. तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने 100 लिए, ठीक है, 100 का निकालना सम ऑफ डिवाइजर्स. 100 में डिवाइड किससे किससे लेगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग पढ़ चुके हैं. 9 डिवाइजर भी होता है इसके पास, कैसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया 100, पावर 2 3 हो जाएगा, पावर 2 3 3 3 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको सम कीजिए, 150, 175, 195, 205, 210, 214, 216, 217. कितना समय गया, 217 है ना. अभी निकालना है, तो हम लोग का काम क्या होगा कि 100 को हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे. तो अब यह बताइए यार, इसमें डिवाइड किससे किससे लगा, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, इसमें 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर, बस जस्ट फर्स्ट वीडियो जैसा ही चलेगा, बहुत मजा आएगा. दी फर्स्ट पार्ट जो लोग मेरा देख रहे हैं उसको समझने बहुत ही आसानी होगी, मजा आ जाएगा. और लास्ट में जो एग्जांपल दिया करते हैं आप लोग उसको जैसे वीडियो को मेरा वीडियो को पढ़ते हैं उसके बाद तुरंत उसका आंसर कमेंट करें ताकि हमको लेकर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा है और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है. तीसरा, जब सम निकालेंगे तब बताएंगे सम क्या होगा, कि इससे इसको गुना करना पड़ेगा प्लस, इससे यहाँ गुना करेंगे प्लस, इससे यहाँ गुना करेंगे प्लस, तो 2 पावर 0 से तीनों में गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे तब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, 2 पावर 0, 5 पावर 0 हो गया, 5 टू पावर 1 हो गया, 5 टू पावर 2 हो गया. उसी तरह से इससे गुना करेंगे तीनों में जोड़ेंगे, 2 टू पावर 1, 5 पावर 0, 5 टू पावर 1, 5 टू पावर 2, फिर इससे करेंगे 2 पावर 2 से तो 5 पावर 0, 5 टू पावर 1 और 5 टू पावर 2 आएगा. तो इसको जब सब में देखिए कॉमन क्या आ गया, 5 टू पावर 0, 5 टू पावर 1 और 5 टू पावर 2 कॉमन आ गया. सब में क्या बच गया इधर, 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2. क्लियर, जोड़ेंगे कितना हो गया, 25, 5, 30, 31, इधर 4, 2, 6, 7, 7 गुना 31 आ गया मिला, यहां से पता चल गया. अब इसे फॉर्मूला जो बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या हो गया, क्या पता चले, पावर 2 था तो 0 से लेकर 2 तक आ गया, पावर यहां भी 2 था तो 0 से लेकर कहां तक आ गया, 2 तक आ गया. यदि मान ले कोई नंबर है n, इसको आप लिख पा रहे हैं p टू द पावर b, r टू द पावर c, तो सम ऑफ डिवाइजर क्या हो गया, ऑल डिवाइजर्स, तो आपका यहां से बन जाएगा, पावर है a, a प्लस, पावर है b, b सॉरी इधर डिवाइजर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर सम निकालना है. क्या देखें, a टू द पावर 0 से ले, सॉरी p टू द पावर 0 से लेके कहां तक चलना पड़ेगा, p टू द पावर 1 से लेके कहां, p टू पावर 2, p टू द पावर 1, फिर गुना करेंगे q टू द पावर 0, q टू द पावर 1 लेके कहां तक जाना पड़ेगा, q टू द पावर b तक, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे q टू r टू द पावर 0, r टू द पावर 1 से लेके कहां तक. क्लियर, वही लिख रहे थे 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, तो पावर 2 तो आता a तक है, 0 से लेके a तक, यहां भी 0 से लेके b तक, यहां 0 से लेके c तक, अब सबको गुणा कर लें,
क्लियर। अरे आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑड डिवाइजेस, सॉरी सम ऑफ ऑड डिवाइजेस, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइजेस पढ़ चुके हैं, मतलब सम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए सम ऑफ डिवाइजेस, सम ऑफ ऑड डिवाइजेस। इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे भी लिए थे 100, इसको प्राइम नंबर में आप क्या लिख दिए, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, इसमें आपको मिल गया 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, है ना। तो इसको आप सम करेंगे ऑड वाले को, अभी हम लोग क्या ऑड वाले में क्या पढ़ रहे थे, सॉरी पहले ऑड है ठीक, ऑड ही पढ़ लेते हैं। ऑड वाले में लोग क्या किए थे, इवन वाले को लेना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि इवन इससे गुना करेंगे इवन होगा, इससे इवन होगा, सिर्फ ये से लिया जाएगा, इससे इसको गुना करना है, इससे इसको गुना करना है, इसको इससे गुना करके जोड़ना है ना, ये नॉट है, तो जिसको ले या ना ले सिर्फ इसको जोड़ लें या एक से गुना करके आप जोड़े बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑड डिवाइजर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 to the power 0 इधर हो गया 5 power 0 5 power 1 5 power 2 क्या रिमार्क आ गया, इवन वाले में सिर्फ क्या करना है 2 power 0 लेना है, चाहे ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑड वाले का जो पावर 2 है तो 0 से लेकर 5 से लेंगे 2, और भी कोई फैक्टर दे मान लिया जाता है यहाँ 3 power 3 होता है, क्या करते हैं 3 power 0 3 power 1 3 power 2 से लेकर 5 आते हैं, 3 लगाते हैं नहीं तो यह है ही नहीं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ क्या किया, इसका फॉर्मूला जो बनाना चाहेंगे क्या हो जाएगा, अरे एन को आप लिख पा रहे हैं 2 to the power a q to the power b r to the power c ठीक है, जहाँ क्यू आर क्या है, क्यू आर प्राइम नंबर है, दो भी प्राइम नंबर है लेकिन इवन प्राइम नंबर है, और एबीसी आपका इंटीजर सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, एबीसी क्या है नेचुरल नंबर है, क्यू और आर प्राइम में ऑड नंबर है और दो प्राइम में इवन नंबर है, इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑड डिवाइजेस। इवन वाले में क्या लिया जाएगा, सिर्फ 2 power 0 बस, और ऑड वाले में सारे लेना पड़ेगा q power 0 q to the power 1 से लेके कहाँ तक q power b तक, यहाँ फिर r power 0 r power 1 से लेके कहाँ तक r power c तक, नहीं इवन वाले में लेना पड़ा सिर्फ 2 power 0 बाकी किसी को नहीं लेना है, और इधर क्यू वाले में क्या हो गया ऑड वाले में 0 से लेके b तक, और यहाँ ऑड वाले r ऑड है तो 0 से लेके c तक, तो इतना थोड़ा याद नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे, तोड़ने के बाद इवन को लेना ही नहीं है ऑड वाले में, इवन को लेने से फायदा नहीं, 2 power 0 ले जाना को फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5 power 2 है तो 0 से लेकर 2 तक जोड़ लेना, क्लियर। तो 25 5 30 से 31 देखिए 31 आ रहा है 1 5 6 25 31 क्लियर। अरे निकल आपको इवन डिवाइडर, इवन वाले देखें क्या करेंगे, ठीक है इवन बनाने के लिए क्या इसको धराना पड़ेगा, तो एक से गुना करेंगे तो और बना देगा, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे करना पड़ेगा, नहीं क्या मिल जाएगा 2 power 1 इसका जो सम निकाले हैं 2 power 1 और 2 power 2 से गुना करना पड़ेगा किसको, देखने फिर आप लोग भैया क्या हो गया 2 power 1 2 × 1 2 × 5 2 × 25 2 × 1 2 × 5 2 × 25 फिर 4 × 1 4 × 5 4 × 25 4 × 1 4 × 5 4 × 25 कॉमन ले कितना आ गया, यस क्या पता चला आपको कि सम ऑफ इवन डिवाइजर जो आ रहा है जो पावर 2 था इवन वाले का पावर स्टार्ट 1 से किया गया 2 power 1 2 power 2 और ऑड वाले का जो पावर स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है 0 से हो रहा है, हमेशा ध्यान रखेंगे ऑड वाले का पावर जब भी स्टार्ट होगा वो हमेशा स्टार्ट कहां से होना है 0 से, और इवन वाले का पावर स्टार्ट होगा 1 से, कब जब सम ऑफ सम भाजकों के योग निकालेंगे तो सम ऑफ इवन डिवाइजर सम भाजकों का योग निकालेंगे तो सम वाले का पावर 1 से स्टार्ट करेंगे ऑड वाले का 0 से, क्लियर। अरे फॉर्मूला लिखना चाहेंगे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अरे एन को ब्रेक कर पा रहे हैं 2 to the power 1 P power B, Q to the power C, चलते जा रहे हैं।
जो p और q क्या है, प्राइम नंबर है तो ऑड ही होगा, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर ले लिए और इवन में एक ही प्राइम नंबर होता है तो बाकी तो ऑड ही होगा और ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका हो गया सम ऑफ और इवन डिवाइजर्स, क्या हो जाएगा सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको, इसका एक से स्टार्ट करना होगा गुना इधर p टू द पावर 0 p टू द पावर 1 से लेके कहां तक p पावर b तक, और फिर इधर q पावर 0 q टू द पावर 1 से कहां तक c तक चलते जाएंगे। यहां हो गया a में 1 से a तक, b में 0 से b तक, c में 0 से c तक, क्यों कि यह दोनों ऑड है और यह दो इवन था इसलिए 1 से स्टार्ट किया। क्लियर? तो आप रेडी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला हम लिख दिए समझने के लिए। तो ऑड इवन हो गया, अब चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर, क्या आ जाएगा? इसमें डिवाइड हो रहा है 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, यहाँ हो रहा है 5 पावर 0 5 पावर 1 और 5 पावर 2, है ना? कौन कौन इधर आएगा? दो ही टर्म होगा जिसका वर्गमूल निकलेगा 2 पावर 0 और 2 पावर 2, इधर 5 पावर 0 और 5 पावर 2। तो क्या रिमार्क आया? जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इवन डिवाइजर, सॉरी इस परफेक्ट स्क्वायर डिवाइजर पर भाजों की योग निकालें या संख्या निकालें, जिसका पावर 2 से कटेगा उसी का वर्गमूल निकल पाएगा। क्या समझ आ रही है? ठीक है, तो 0 2 हो गया, इसमें 2 तक में कौन होगा? 0 2 यदि पावर 5 रहता तब तो 0 2 4 लेते, 9 रहता पावर तो 0 2 4 6 8 ऐसे लेते, तो क्या 25 से 26 और इधर 5 130 देखिए, है ना? 1 25 26 और 126, क्लियर? अब निकालना होगा सम ऑफ, इसी में कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जिसका पावर 3 से कटेगा उसके लिए एग्जांपल दूसरा लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 से कटने वाला कौन है? सिर्फ 2 पावर 0 और 5 पावर 0, तो 1 गुना 1 एक ही टर्म होता है, इसलिए उसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? यदि यहां लेंगे तो आपको कौन बनेगा? सिर्फ मिल जाएगा 2 पावर 0 इसी का निकलेगा, इधर कौन इसका निकलेगा, एक ही होगा इसी का घर निकलेगा सिर्फ, किसी को तो निकलेगा, इसलिए दूसरा एग्जांपल यहां लेते हैं। ले लिया आप एक में 2 क्यूब 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3, किसका किसका निकलेगा? परफेक्ट क्यूब, सम ऑफ परफेक्ट क्यूब डिवाइजर 2 पावर 0 और 2 पावर 3, इधर 5 पावर 0 और 5 पावर, इसका घनमूल निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा। तो संख्या निकालने में, भाजकों की संख्या निकालने में से हम लोग काउंट करते थे या जोड़ रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 × 1 = 9 हो गया, गुना 125 × 1, 125 + 1 = 126, 9 × 6 = 15, 18 × 5 = 23, 9 = 11। क्लियर? एक छोटा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ले लिए 2, इसको लिख सकते हैं 25 × 8, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर × 2 का, हो जाएगा सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, या स्टार्ट करेंगे 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2, इधर 2 to the power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 2, जोड़ लेंगे जो भी आएगा सम ऑफ और इवन डिवाइजर्स। सम भाजक की संख्या, सम वाले में क्या बताया? इवन वाले का पावर जो है 1 से स्टार्ट करना है और ऑड वाले का 0 से करना है। क्लियर?
और सम ऑफ ऑड डिवाइडर। ऑड जब निकालेंगे इवन से को ले जाना है नहीं, कहीं इवन से गुना करेंगे ऑड को तो ऑड बन इवन बन जाएगा, इवन को ऑड से गुना करेंगे इवन बनेगा, इसलिए इवन को लेना ही नहीं है। लेना भी होगा सिर्फ दो पावर जीरो, बाकी कुछ नहीं, इससे कोई फायदा भी नहीं है। और ऑड का जब भी स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होना है। सम ऑफ और परफेक्ट स्क्वायर डिवाइडर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले क्या बताएंगे आपको कि जिसका पावर दो से कटेगा उसी को लेना है। तो दो तक में कौन कौन कटेगा, 5 पावर 0, 5 पावर 2, याद और क्लियर हो गया। और यहाँ 0 और 2 क्लियर है, इसका निकलेगा इसका भी निकल जाएगा, कहीं पावर दो से कटना। सम ऑफ और परफेक्ट क्यूब डिवाइडर्स, परफेक्ट क्यूब में क्या करना पड़ेगा, जिसका पावर 3 से कटेगा, दो तक में 3 से कटने वाला सिर्फ 0 है, 3 तक में 2 पावर 0 और 2 पावर 3, इसी का निकल मूल निकलेगा। जिसका पावर 3 से कट रहा है 8 का निकलेगा, 2 पावर 0 1 का निकलेगा, 1 का निकलेगा, तो 8 और 1 9, ठीक है, सब कुछ जोड़ लेगा, क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रही होगी बात, इनको परेशानी हो दोबारा एक दोबारा और देख लें आप लोग, क्लियर। आइए अब इसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ डिवाइजर कैसे निकालें। भाजकों का औसत ठीक है, एवरेज निकालने का जो तरीका होगा तो क्या करते हैं, सभी भाजकों का योग भाजकों की संख्या से डिवाइड करना, जैसे आपको निकालना हो 100 को, ठीक है, तो 100 को हम प्राइम नंबर में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। आप लोगों को लग रहा होगा 100 हम बार बार क्यों ले रहे हैं, ताकि इसमें समझने आपको आसानी होगी, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेंगे तो बनेगा। तब इसका नंबर ऑफ डिवाइजर कितना, एक ही बार ले लेते हैं एवरेज ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर बाय नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्लियर। तो सम ऑफ डिवाइजर क्या होगा, क्या दिखाया जा रहा है हम लोगों को, ठीक बड़ा बड़ा लिखा है ना, चलेगा ना, ठीक बोलेंगे तो बड़ा लिख लेते हैं, भाजकों का औसत चलेगा, ठीक। सम ऑफ डिवाइजर, सम कैसे निकालना जा रहा था, 2 पावर 2 है तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, यहाँ 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2। नंबर ऑफ डिवाइजर में क्या करना था, जो पावर उसमें एक जोड़ के गुना करना था, क्लियर, पावर में एक जोड़ के गुना कर दिए और सब निकालने में 0 से लेकर 2 तक ले लिए, तो गया 4, 2, 6 और 1, 7, इधर 25, 35, 31, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 9, आपका एवरेज आ जाएगा। एक बात यहाँ गौर करेंगे, यदि पावर मान लिया आपको ज्यादा आ गया है ना, 0 से लेकर 10 तक आ गया, तब ज्योमेट्रिक सीरीज से जोड़ सकते हैं, यदि पावर आ गया 2 पावर 0, 2 पावर 1 से लेकर के 2 पावर 10 तक, कैसे जोड़ेंगे, एस एन फॉर्मूला आता है जीपी से, ए इंटू आर टू पावर एन माइनस वन बाय कितना आर माइनस वन, पता है ना, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 पावर 0, आर हो गया कॉमन रेशियो जो कितना हो जाएगा 2, और नंबर ऑफ टर्म कितना 0 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहा है, इसका 11 टर्म, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होता 10 होता, लेकिन 1 0 है तो 11 टर्म हो गया बाय 2 मंथ, तो ज्यादा लंबा सीरीज रहेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा पूछा सकता है एवरेज ऑफ
इवेंट डिवाइजर, एवरेज ऑफ और डिवाइजर कुछ भी जा सकता है। तो जैसे हम जोड़ने के लिए सीख ही लेंगे कि और डिवाइजर कैसे जोड़ा जाएगा, इवेंट डिवाइजर कैसे जोड़ा जाएगा, और डिवाइजर की संख्या कैसे निकालेंगे, सम भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे, भाग लागे निकाल सकते हैं। हम एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेंगे, एवरेज ऑफ डिवाइजर निकालना था, कोई एक एग्जांपल ले लिए कि सम ऑफ डिवाइजर सभी भाजक का योग सभी भाजक की संख्या, योग निकालेंगे जीरो से लेकर दो तक चलेगी, यहाँ भी जीरो से लेकर दो तक चलेगी, उसकी संख्या निकालेंगे एक जोड़ के गुणा करके, क्लियर। अब चलते हैं इसमें लास्ट पढ़ने जा रहे हैं भाजकों का गुणनफल, जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन कभी भी आ सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट और डिवाइजर, अब हेडिंग लगा ले हम लोग, भाजकों का गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला होगा, मतलब भाजकों का गुणनफल मतलब हो गया क्या, सभी भाजक का गुणनफल, ऑड इवन नहीं हो रहा, सभी भाजक गुणनफल। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा n टू द पावर स्मॉल n बाय 2, होए n आपका क्या है, गिवन नंबर है जो संख्या आपका दिया रहेगा, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। पहले हम लोग सभी भाजक का गुणनफल पर डिस्कस करते हैं, फिर ऑड इवन पर भी हम डिस्कस करेंगे। हिसाब से पूछा जाएगा 6, 6 के सभी भाजक का गुणनफल क्या हो। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे, तो 2 इंटू 3 लिखा जाएगा, तो नंबर ऑफ डिवाइजर को आप स्मॉल n से नोट किए कितना हो जाएगा, पावर जब 1 है 1 प्लस 1, यहां भी 1 है 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर बोले या ऑल डिवाइजर बोले, तब क्या हो जाएगा, जो नंबर है 6 उसमें पावर कितना, n बाय 2, n हो गया कितना 4 बाय 2, दिया गया नंबर आपका 6, n की जगह 6, और इस n बाय 2 मतलब हो गया 4 बाय 2, तो कितना जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब गुणा करके देखें, 6 में डिवाइड किससे किसे लेगा, 1 2 3 6 6 3 18 2 36 गुना 1 36, 6 3 18 2 36, क्लियर। अब इसमें जो बड़ा नंबर रहेगा तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसका डिवाइजर हो गया 6 का फैक्टर हो गया क्या 2 गुना 3, इसमें डिवाइड हो रहा है 2 पावर 0 2 पावर 1 3 पावर 0 3 पावर 1, फिर हम लोग गुणा करेंगे इससे यहाँ इससे यहाँ इससे यहाँ फिर इससे यहाँ, बहुत लंबी हो जाएगा, क्यों, कभी बड़ा फैक्टर दिए यहाँ मतलब बड़ा फैक्टर 4 आ गया यहाँ 5 आ गया, तो 0 से लेकर आप 4 तक जाएंगे, यहाँ के आप 5 तक जाएंगे, फिर गुणा करेंगे और जाएगा डर, इससे यहाँ समय गुणा करेंगे, इससे समय गुणा करेंगे, इससे करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करके समय गुणा करना पड़ेगा, फिर सबको गुणा करके करना पड़ेगा, बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या सीधा इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई करके आपको बताई थी कि 6 का लिए भाजकों संख्या 4, तो यहाँ निकल गया 6 पावर 4 बटे 2 तो 36, जो कि यहाँ वेरीफाई हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 6, 6 3 18 2 36 गुना 1 36। आज आपको निकालना होगा बड़ा नंबर रहेगा, कैसे निकालेंगे वो भी बता रहे हैं, जैसे आपको निकालना 120 का, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, इसको प्राइम नंबर में तोड़ दो, 15 गुना 8, 8 का मतलब हो गया 2 पावर 3, 15 का मतलब हो गया 3 गुना 5, क्लियर। तो हो गया स्मॉल n कितना निकल जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर 1 है 2 हो जाएगा, 4 दुनिया 8 दुनिया 16 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या आ जाएगा, 120 टू द पावर 16 बाय 2। इसका आंसर भी आपको जो देगा इसी रूप में देगा, क्योंकि 120 टू द पावर 8 को यदि सॉल्व करेगा समझ जाएगा कि एक पेज का आंसर ही आएगा, गुना से बहुत बड़ा नंबर आएगा, और बड़ा नंबर लेंगे तो और ज्यादा पावर आएगा, इसलिए आदि सवाल पूछेगा भी तो इसको सॉल्व करके नहीं दिया जाएगा, इसी पावर ग्रुप में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अरे मन से पूछ दिया आपको प्रोडक्ट ऑफ और
बात यह बताइए और डिवाइजर में क्या होता है कि सारे आउट नंबर ही आए हैं, जैसे 15 15 के पास यदि हम पूछेंगे आपसे कि इवेंट डिवाइजर कितने होंगे, बता सकते हैं क्या? उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो, क्योंकि कोई है ही नहीं इवेंट। बोलेंगे 20 के पास इवेंट डिवाइजर होगा क्या? होगा। तो उसे बताइए जब आउट डिवाइजर आपसे पूछा गया तो आपको क्या करेंगे, उसमें आउट नंबर निकालने, जो भी नंबर बढ़ा दिया रहेगा उससे आउट नंबर को आउट फैक्टर निकालने, वो आउट फैक्टर का जो डिवाइजर होगा उसी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आउट डिवाइजर का प्रोडक्ट निकल जाएगा। लेकिन इवेंट वाले में क्या होगा, सिर्फ इवेंट डिवाइजर इवेंट फैक्टर निकालने से आपको इवेंट डिवाइजर नहीं निकल जाएगा। क्यों? इवेंट फैक्टर को आउट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या बनेगा, इवेंट बनता है। कहने का मतलब यह है कि इवेंट फैक्टर निकाल लेंगे किसी बड़ा नंबर से, जैसे इस नंबर है, इसका इवेंट फैक्टर से भी निकलेगा। तो इसी के पास इवेंट डिवाइजर था ही, बाकी इसको किसी से गुना भी करेंगे तो इवेंट बनेगा। लेकिन और डिवाइजर में क्या होगा, सिर्फ और वाले से बनेगा, उसमें इवेंट लेने की जरूरत आपको जरूरत क्या लेना ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे जी, आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ और डिवाइजर का मतलब समझिए कि 15 के पास भाजक की संख्या कितनी है और उसको हम लोग निकाल लेंगे किस रूप में, प्रोडक्ट और डिवाइजर रूप में। तो संख्या इसको मान लें 15 और भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, एक एक दो, सॉरी एक पावर है, दो हो जाएगा, यहाँ भी दो, दो दिन कितना हो गया, चार, चार को दो से भाग जाएगा। फिर बात समझे कि और डिवाइजर निकालने के लिए और नंबर के लिए निकालना है, क्योंकि और डिवाइजर में क्या होगा, और नंबर ही आएंगे, और फैक्टर ही आएंगे। लेकिन इवेंट वाले में इवेंट और दोनों आएंगे, क्योंकि और गुना इवन इवेंट होता है, इवन गुना और भी इवेंट होता है। इसलिए तो यह नंबर 15 आपसे पूछा जाएगा, 15 के पास 15 के सभी भाजक के गुणनफल क्या होगा, क्या करते हैं, तरीका लगाते ना, तो 15 का नंबर हो गया, भाजक की संख्या कितना है, एक है पावर, दो हो जाएगा, यहाँ एक है, दो हो जाएगा, दो दूनी चार, तो चार को दो से भाग लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 15 × 15 = 225। 15 का स्क्वायर। अब बताइए यदि निकालना होगा प्रोडक्ट ऑफ और इवेंट डिवाइजर्स, क्या करेंगे, इवेंट निकालने के लिए सिर्फ इवेंट से काम चलेगा नहीं, उसमें इवेंट और दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। इसलिए सभी भाजक का गुणनफल कितना आ गया, 122 × 8, सभी भाजक के गुणनफल में और भाजक को गुणनफल से भाग लगा देंगे, विषम भाजक गुणनफल से भाग लगा देंगे, यह 120 × 8 क्या निकला, सभी भाजक का गुणनफल, और 225 क्या निकला, सभी विषम भाजक का गुणनफल, उसे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, विषम भाजक गुणनफल, क्योंकि सभी भाजक के गुणनफल में सम भाजक का गुणनफल है और विषम भाजक का गुणनफल। चलिए दिया 15 × 1 इसको लिख सकते हैं 15 × 8 = 120 और यह हो गया 15 का स्क्वायर। यह कट के कितना आ जाएगा, यह कट के आ गया आपका 15 × 6 × 8 यहाँ से रूट में। फिर समझ लें क्या कि यहाँ पे ये तो समझ गए होंगे आप लोग, सभी भाजक के गुणनफल निकालने में नंबर ऑफ डिवाइजर पहले निकाल ली और उस नंबर पर भाजकों की संख्या से आधा भाग कर देंगे, सॉरी भाजकों की संख्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर निकालने में उस नंबर पर नंबर ऑफ डिवाइजर्स को दो से डिवाइड करके पावर में डाल देना है। ठीक है, तो 120 से पावर कितना हो गया, 16 × 8 आ गया। ठीक है, और डिवाइजर में आपको बताया गया इसमें और फैक्टर से ही जो डिवाइजर आएंगे, और फैक्टर क्या 3 × 5 है, तो 15 हो गया। 15 के पास पूछेंगे भाजकों का गुणनफल क्या होगा, 15 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा, 15 ले लिए और कितने भाजक होंगे, एक है दो, यहाँ भी एक है दो, दो दिन चार, चार का आधा कर लेंगे तो 15 × 2 = 2। और इवेंट डिवाइजर दे निकालना होगा तो क्या करेंगे, सभी भाजक के गुणनफल में विषम भाजक गुणनफल से भाग लगाएंगे, तो 15 × 8 कर लिए, 8 × 8 बार आ गया, 15 × 1 करके 15 × 6 क्लियर। उम्मीद करते हैं यह बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिनको फिर भी कठिनाई लगे तो एक दो बार देखें वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देते हैं SW ग्रुप में, जो आप लोगों को बनाकर हमको कमेंट करना है। ठीक है, और अच्छा लगा खराब लगा उसको भी कमेंट लिखना करना है, कुछ यदि कुछ और आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लिख के कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तक आपको यह महसूस नहीं होगी कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और लोग जो दूर जाकर पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, तो उससे हम बेहतर बताने का प्रयास करेंगे, आप कुछ ना कुछ नई तरीका हम बताने का प्रयास करते हैं हर वीडियो में, आप लोग गौर करके देखें। ठीक है, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहें मेरे साथ। ठीक है, देखो होमवर्क के रूप में लिख लें, आज का एग्जाम्पल है एक सौ बीस के
सभी सम भाजकों का योग क्या है। इंग्लिश वाले भाषण वाले लोग भी ध्यान दें, लिख सकते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल इवेंट डिवाइजर ऑफ 120, 120 के सभी सम भाजकों का योग क्या होगा, या बताना। ऑप्शन 244, 360, 180 और डी नंबर है। सवाल लिख लिए, 120 के सभी सम भाजकों का योग क्या होगा, कौन सा है। क्लियर? तो आप लोग पढ़ते ही इसका कमेंट करके भेजें। शुभ रात्रि।